हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एडुकेटर में। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पूर्ति का सिद्धांत, के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने पूर्ति के बारे में पढ़ लिया है कि पूर्ति क्या होती है और पूर्ति कितने टाइप की होती है। अब आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची अथवा सारणी का चित्र में प्रदर्शन है। पूर्ति वक्र भी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति की गई मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कि जो हमने अब तक पढ़ा है, पूर्ति वक्र अनुसूची पढ़ा था, उसका चित्र में प्रदर्शन है, चित्र में प्रदर्शन है। तो पूर्ति की गई मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध को दर्शाता है, तो यह धनात्मक संबंध को दर्शाता है। पूर्ति वक्र की ढलान धनात्मक होती है, यानी कि ढलान जो है धनात्मक होगी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। चलिए देखते हैं पूर्ति के प्रकार। पूर्ति के प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र के प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची के चित्र में प्रदर्शन को व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म की अनुसूची को चित्र में प्रदर्शन में प्रदर्शित करना, उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। ऐसे ही बाजार पूर्ति वक्र, बाजार में उपस्थित सभी फर्मों की पूर्ति अनुसूची के चित्र में प्रदर्शन को बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। यानी कि बाजार में जितनी भी फर्में होती है, उनके चित्र में प्रदर्शन को, अनुसूची के चित्र में प्रदर्शन को बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसमें यहाँ पर पूर्ति की गई की मात्रा है और यहाँ पर कीमत है। तो हमारी सप्लाई जो होगी, ये हमारी सप्लाई होगी, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई की, पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति। अब बात करते हैं बाजार पूर्ति वक्र की। बाजार पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र में फर्म ए का पूर्ति वक्र हम देख रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर वस्तु की मात्रा है, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर वस्तु की कीमत है। जैसे कि जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी मात्रा भी बढ़ रही है, तो ये हमारा वक्र हो जाएगा। ये हमारी सप्लाई है, यानी कि पूर्ति है। अब हम देखते हैं फर्म बी, फर्म बी की पूर्ति वक्र। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, 5 रुपये पर कोई पूर्ति नहीं हो पाती है, 10 रुपये पर 5 पूर्ति होती है, 15 रुपये पर 10 पूर्ति का ही पूर्ति होती है, 20 रुपये पर 15, 25 रुपये पर उसके बाद नहीं दिया गया, और ये हमारा वक्र बन जाएगा। तो ये फर्म ए बी का पूर्ति वक्र था। अब देखते हैं बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है। बाजार पूर्ति वक्र होगा इन दोनों का कंबाइन, यानी कि बाजार सी का पूर्ति वक्र, इसे सी नाम दे दिया गया है, यानी कि सी का मतलब है दोनों का कंबाइन पूर्ति वक्र। तो ये जैसे कि दिया गया है, 5 रुपये पर पूर्ति कितनी होती है, 15, 10 रुपये पर, 5 रुपये पर कोई पूर्ति वक्र नहीं, पूर्ति नहीं होती, और 10 रुपये पर 15 होती है, क्योंकि इन दोनों का टोटल है। 10 रुपये पर यहाँ पर 10 हो रही थी और यहाँ पर 5 हो रही थी, तो इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 रुपये पर पूर्ति होती है 30 वस्तु इकाई की, और 20 रुपये पर 45 वस्तु इकाई की। तो यह था हमारा पूर्ति वक्र। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।